तो नमस्कार दोस्तों, मैं प्रमोद शर्मा आप सभी का स्वागत करता हूँ अपने चैनल पर। तो आज हम पढ़ेंगे यहाँ से तो मोडाल्स पढ़ेंगे, ठीक है। तो मोडाल्स में हमारा पूरा कोर्स करेंगे, तो यहाँ से शुरू हो जाता है हमारा मोडाल्स। तो लिखा है कि मोडाल्स वर्ब या मोडल वर्ब आर यूज्ड। मोडल वर्ब्स का इस्तेमाल करते हैं विद मेन वर्ब के साथ इस्तेमाल करते हैं टू डिस्क्राइब, मतलब ये वर्णन करने के लिए वेरिएड मूड्स, मतलब हम कई प्रकार के जो मूड्स होते हैं, मानसिक अवस्थाएं, उनको बताने के लिए इसका प्रयोग करते हैं। एंड मीनिंग, और उनका अर्थ बताने के लिए वर्ब का। सच है जैसे कि परमिशन देना, नेसेसिटी आवश्यकता बताना, पॉसिबिलिटी संभावना बताना, सर्टेनिटी माने निश्चितता बताना, इन सबको बताने के लिए मॉडल्स प्रयोग किया जाता है। मॉडल्स तो आप जानते ही, मॉडल्स होते हैं सेल, विल, मे, माइट, कैन, कुड, कुल मिलाकर जो 13 जो टाइप होते हैं, कैन, कुड, मे, माइट, सेल, वुड, शुड, ऐसे बहुत सारे जो होते हैं, ये आप सबके वो होते हैं मॉडल्स, ठीक है। तो जो मॉडल्स होते हैं ये मेन वर्ब के साथ इस्तेमाल होते हैं, और इनके साथ जब भी मेन वर्ब इस्तेमाल होती है तो मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है। और ये जो मॉडल्स होते हैं ये टेंस नहीं बनाते, ये मूड्स, मतलब ये जो सब्जेक्ट होता है उसका मूड बताते हैं। और इनका जो अर्थ होता है, उनके अर्थ में परमिशन, नेसेसिटी, पॉसिबिलिटी, सर्टेनिटी, ऐसे और भी कई प्रकार की चीज़ें निकल कर आती है, ठीक है। तो ये सब हमें यहाँ पे जानना है, ठीक है। उसके बाद लिखा है कि मॉडल्स या मॉडल वर्ब्स आर ऑलवेज यूज्ड विद मेन वर्ब। कहते हैं मॉडल्स का इस्तेमाल हमेशा मेन वर्ब के साथ होता है, और एज दे कैन नॉट स्टैंड ऑन देयर ओन, ये अपने आप खुद नहीं आते अनलेस यूज्ड इन ए क्वेश्चन टैग। कहते हैं दे कैन नॉट स्टैंड ऑन देयर ओन लेस, ये कभी खुद नहीं आते, क्वेश्चन टैग में मतलब आ सकते हैं, नहीं तो ये कभी भी मेन वर्ब के साथ ही आते हैं, ठीक है। तो जैसे लिखा है कि आई कुड दिस वर्क टू नाइट। तो ये जो लिखा है आई कुड दिस वर्क टू नाइट, यहाँ पे आप देखोगे तो मेन वर्ब गायब है, तो इसीलिए गलत हो गया ये, ठीक है। ये गलत सेंटेंस है क्योंकि यहाँ मेन वर्ब नहीं है, ये वाला सही सेंटेंस है। लिखा है आई कुड डू दिस वर्क टू नाइट, तो इसमें बताया गया है कि जो मॉडल्स होते हैं हमेशा मेन वर्ब के बाद आते हैं, उनके अलावा नहीं आ सकते, अगर आते हैं तो क्वेश्चन टैग के लिए आते हैं, ठीक है। क्वेश्चन टैग क्या होता है, जैसे कोई वाक्य कहते हैं और उसके पीछे क्वेश्चन जोड़ देते हैं, उसे क्वेश्चन टैग कहते हैं। जैसे जैसे लिख दिया कि ही कैन कम, मतलब वो आ सकता है ना, अब ना बताने के लिए यहाँ पे लिख देंगे कैन ही क्वेश्चन मार्क, इसको बोलते हैं क्वेश्चन टैग, ठीक है। अब हम आगे पढ़ते हैं, यहाँ से यहाँ पे लिख जाता है कि मॉडल्स वर्ब ऑलवेज स्टे इन बेस फॉर्म। मॉडल्स वर्ब जो होते हैं हमेशा वर्ब की बेस फॉर्म के साथ आते हैं, यानी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आते हैं, ना तो इसमें एस या एस जोड़ना है, ना इसमें आईएनजी जोड़ना है, ना इसकी सेकेंड फॉर्म, थर्ड फॉर्म, कोई भी एब्रिविएशन नहीं करना है, सिर्फ मॉडल्स के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का ही प्रयोग किया जाता है, ठीक है। फिर ये कहता है सी कैन सिंग, वो गा सकती है, दे कैन सिंग, वो गा सकते हैं। तो चाहे सब्जेक्ट सिंगुलर हो, प्लूरल हो, चाहे वो जेंडर में फीमेल हो, मेल हो, इससे भी फर्क नहीं पड़ता, इनके साथ हमेशा मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है, चाहे सब्जेक्ट कुछ भी हो, ठीक है। आगे लिखा है कि कुड, शुड एंड माइट आर यूज्ड इन द पास्ट टेंस और टू बी पोलाइट। कहता है कि कुड, शुड, माइट, इनका प्रयोग पार्ट टेंस में होता है, और इनका इस्तेमाल पोलाइट माने विनम्रता के भाव को व्यक्त करने के लिए किया जाता है। कैन सी सिंग, क्या वो गीत गा सकती है, ये प्रेजेंट टेंस हुआ। और दे कुड हैव रीच्ड ए लिटिल अर्ली, वो थोड़ी देर पहले ही पहुँच सके हैं या पहुँच सके थे, ये पास्ट की एबिलिटी है। और कुड यू पिक दैट अप फॉर मी, तो ये भी जो है मतलब पास्ट के घटना होने को व्यक्त करता है, ठीक है।
तो यू कुड यू पिक दैट अप फॉर मी, तो क्या तुम उसे मेरे लिए पिक कर सकते हो, कर सकते थे। ऐसी अब हम यहाँ से पढ़ेंगे फंक्शन, तो फंक्शन ऑफ मोडल्स, तो मोडल्स के हम फंक्शन पढ़ेंगे। तो पहला हम पढ़ेंगे फंक्शन माने कार्य, तो पहला हो गया विल। विल का प्रयोग कहाँ होता है, विल का प्रयोग लिखता है टू शो परमिशन, तो इसका प्रयोग अनुमति देने के लिए होता है या लेने के लिए। इंटेंशन माने इरादा बताने के लिए, विलिंगनेस होता है अपनी इच्छा बताने के लिए। डिटर्मिनेशन होता है दृढ़ संकल्प बताने के लिए। विद द फर्स्ट पर्सन आई और वी, तो फर्स्ट पर्सन आई और वी के साथ कभी विल का प्रयोग हो तो वो प्रोमिस, इंटेंशन, विलिंगनेस, डिटर्मिनेशन इत्यादि को व्यक्त करते हैं। जैसे अब नीचे एग्जाम्पल दिया हुआ है कि एग्जाम्पल के लिए कहता है आई विल गिव यू अ बुक ऑफ योर चॉइस, तो यहाँ पे प्रॉमिस लिखा हुआ है, तो यानी इस मॉडल्स का इस्तेमाल प्रॉमिस करने के लिए किया गया है। आई विल गिव यू ए बुक ऑफ योर चॉइस, तो कहता है मैं तुम्हें तुम्हारी पसंद की पुस्तक दूंगा, तो ये एक प्रॉमिस है। ऐसे ही वी विल हेल्प देम आउट, तो कहता है हम उनकी मदद करेंगे, तो ये विलिंगनेस इच्छा है, ये इच्छा बता रहा है करेंगे, ये भी तय नहीं है। ऐसे लिखा है कि द न्यू MD विल चेंज द सिस्टम ऑफ अप्राइजल्स इन आवर ऑर्गेनाइजेशन, तो ये दृढ़ संकल्प बता रहा है कि हमारा जो नया MD आएगा वो जो हमारे ऑर्गेनाइजेशन के जो सिस्टम है उसको चेंज करेगा। आगे इसके बाद हम पढ़ेंगे, आगे यहाँ पे और लिखा हुआ है, यहाँ पे लिखा है जैसे बड़ा कर लेते हैं थोड़ा, तो लिखा है कि विल का प्रयोग और कहाँ होता है, तो टू एक्सप्रेस रिक्वेस्ट, तो प्रार्थना को व्यक्त करने के लिए, इनविटेशन निमंत्रण को व्यक्त करने के लिए, और इंस्टेंसेस मतलब कोई घटना, कोई अनिश्चित घटना को व्यक्त करने के लिए, अजप्शन मतलब काल्पनिक वाक्य मतलब काल्पनिक चीज़ बताने के लिए, और करेक्टरिस्टिक्स और हैबिट मतलब कोई लक्षण या आदत बताने के लिए भी प्रयोग किया जाता है विल का प्रयोग। जैसे भी रिक्वेस्ट के लिए आ रहा है, विल यू प्लीज हेल्प मी राइट दिस एस्से, कहता है क्या आप मेरे एस्से लिखने में मदद करेंगे, ये रिक्वेस्ट है। मिसिस स्मिथ विल बी इन द लाइब्रेरी ड्यूरिंग स्कूल, कहता है मिसिस स्मिथ स्कूल आवर्स मतलब मिसिस स्मिथ स्कूल के घंटों के दौरान लाइब्रेरी में होंगी, ये हमने अजप्शन किया है, यानी हमने कल्पना या अनुमान लगाया है कि वो लाइब्रेरी में होंगी स्कूल के समय में। ऐसे लिखा है द क्रोकोडाइल विल यूजली किल्स अदर स्मॉल सी एनिमल्स, कहता है जो मगरमच्छ होता है समुद्र के छोटे दूसरे अन्य जीवों को मारता है, तो ये हम ना मगरमच्छ की कैरेक्टर्स या नेचर या हैबिट हम उसकी आदत बता रहे हैं, ठीक है, मगरमच्छ की हम करेक्टर से लक्षण बता रहे हैं कि वो समंदर के छोटे जीवों को मारता है या उसका आदत बता रहे हैं हैबिट। नेगेटिव ऑफ द विल विल नॉट, विल का अगर नेगेटिव फॉर्म बनाना हो तो विल नॉट बनाते हैं। एग्जाम्पल आई विल नॉट स्पेंड माई पॉकेट मनी, मैं अपने जेब खर्च के पैसों को खर्च नहीं करूँगा। सी वुड नॉट इट स्ट्रीट फूड, तो कह रहे हैं कि वो गलियों का जो फूड है वो नहीं खाती है, तो सी विल नॉट का शॉर्ट फॉर्म वॉन्ट होता है, सी वॉन्ट इट स्ट्रीट फूड, यानी वो गलियों के भोजन को नहीं खाती है, ठीक है। उसके बाद हम आगे यहाँ से विल खत्म कर लिए हैं, तो विल का प्रयोग कहाँ किया जाता है, तो विल का प्रयोग प्रॉमिस, इंटेंशन, विलिंगनेस और डिटर्मिनेशन इनको बताने के लिए फर्स्ट पर्सन के साथ किया जाता है। हमने एग्जांपल देखा विलिंगनेस का, डिटर्मिनेशन का, ऐसे हमने यहाँ देखा इसका प्रयोग रिक्वेस्ट करने के लिए, इन्विटेशन देने के लिए, इंस्टेंसेस बताने के लिए, एजप्शन करेक्टर्स और हैबिट बताने के लिए किया जाता है, ये हमने एग्जाम्पल भी पढ़े यहाँ पर, ठीक है। अब लिखा है कि जो वुड होता है वो पास्ट फॉर्म ऑफ विल होता है, यानी विल का पास्ट फॉर्म वुड होता है। वुड एक्सप्रेस द पास्ट फॉर्म ऑफ विल, तो ये जो वुड होता है ये विल का पास्ट फॉर्म व्यक्त करता है, भूतकाल का रूप बताता है।
ऐसी जैसे लिखा है कि शालिनी इन्फॉर्म्ड मी, शालिनी ने मुझे सूचित किया कि दैट सी वुड डांस एट माई वेडिंग, कि वो मेरे विवाह में, मेरे मतलब मैरिज में, शादी में डांस करेगी। तो यहाँ पर देखोगे तो ये जो डायरेक्ट स्पीच है ये इनडायरेक्ट स्पीच है, और यहाँ पे शुरू में पास्ट टेंस का वर्ब आया है, वर्ब की सेकंड फॉर्म, तो आगे भी पास्ट आएगा। तो इस वजह से जब रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट में है तो आगे का टेंस जो है वो पास्ट में बदल जाता है, तो इसीलिए विल का वुड हुआ है यहाँ पर। आगे लिखा हुआ है कि द प्रॉब्लम वाज हाउ ही वुड रीच देयर, द प्रॉब्लम वाज हाउ ही वुड रीच देयर, समस्या ये है कि वो वहाँ पहुँची कैसे, तो ये भी पास्ट की क्रिया हो गई, तो इसीलिए यहाँ पर वुड आएगा। सही है, ऐसी लिखा है। और इसका प्रयोग कहाँ होता है? इसका प्रयोग होता है टू एक्सप्रेस पास्ट हैबिट, भूतकाल की आदत को बताने के लिए इसका प्रयोग किया जाता है। अब लिखा है एग्जाम्पल में, जैसे सी वुड ड्रिंक अ कॉफ़ी, ए कप ऑफ ग्रीन टी एवरी मॉर्निंग। तो कहता है कि वो हर सुबह मतलब ग्रीन टी पीती है, एक कप ग्रीन टी पीती है। तो ये हम उसकी पास्ट की हैबिट बता रहे हैं, पिया करती थी। ऐसे लिखा है माई फादर वुड गेट अप अर्ली इन द मॉर्निंग, मेरे पिताजी सुबह जल्दी उठा करते थे। तो ये पास्ट की हैबिट है, अब नहीं उठते होंगे क्या पता। अब लिखा है कि फॉर रिक्वेस्ट, अब ना इसका इस्तेमाल प्रार्थना के लिए भी होता है, वो भी बिल्कुल पोलाइट रिक्वेस्ट। जैसे वुड यू प्लीज़ गिव मी योर बाइक, क्या तुम मुझे अपनी बाइक उधार दोगे या दोगे, तो ये रिक्वेस्ट करने के लिए। ऐसे कहता है कि वुड यू लाइक टू स्पेंड दिस इवनिंग विद मी, क्या तुम ये शाम मेरे साथ एक्सपेंड यानी व्यतीत करना चाहोगे। तो ये हमारा रिक्वेस्ट बताता है, पास की हैबिट बताता है, और ये हमारा विल का पास फॉर्म होता है, जो कि डायरेक्ट से इनडायरेक्ट स्पीच में विल को वुड में चेंज करने में काम आता है। टू एक्सप्रेस अ विश, ये हमारी इच्छा को व्यक्त करता है। आई विश काश सी वुड बी हेल्दी, काश वो स्वस्थ होती। ऐसे लिखा है कि यू वुड बी एन इंजीनियर, यानी तुम इंजीनियर होते, ये इच्छा है। इसके अलावा टू एक्सप्रेस एन इमेजिनरी कंडीशन, काल्पनिक अवस्था बताने के लिए भी वुड का प्रयोग होता है। एग्जाम्पल में लिखा है कि आई वुड हैव ए सेलेटायर इफ आई अर्न 1 लाख एवरी मंथ। तो कहता है मैं भी एक सेलेटायर होता अगर मैं 1 लाख रुपए महीने पर मतलब पर मंथ कमाता, हर महीने कमाता। नेगेटिव बताया गया है कि वुड का नेगेटिव वुड नॉट होता है। सी वुड नॉट गेट अप अर्ली इन द मॉर्निंग, वो सुबह जल्दी नहीं उठता है। तो ये भी हमने आदत बताया यहाँ पे। तो हमने देखा वुड का प्रयोग कहाँ कहाँ किया जाता है। वुड जो है वो विल का पास फॉर्म है, इसका इस्तेमाल आदत को बताने में किया जाता है, इसका इस्तेमाल रिक्वेस्ट करने के लिए बताया जाता है, इसका इस्तेमाल इच्छा बताने के लिए, इसका इस्तेमाल इमेजिनरी कंडीशन काल्पनिक स्थितियां बताने के लिए किया जाता है, और जो नेगेटिव जो होता है वुड का नेगेटिव फॉर्म वुड नॉट होता है। ठीक है, अब हम यहाँ से पढ़ेंगे शैल का प्रयोग। सेल इज यूजली यूज टू आस्क ए सजेशन, सेल का प्रयोग जो है अधिकतर सजेशन माने सलाह के लिए किया जाता है, रिक्वेस्ट प्रार्थना बताने के लिए किया जाता है, और एडवाइस माने सलाह देने के लिए किया जाता है विद द फर्स्ट पर्सन, और फर्स्ट पर्सन के साथ किया जाता है इन द इंट्रोगेटिव सेंटेंस, इंट्रोगेटिव सेंटेंस में ही किया जाता है। अब असर्टिव सेंटेंस, नेगेटिव सेंटेंस में इनके साथ आई और बी के साथ फर्स्ट पर्सन के साथ विल का प्रयोग होने लगा है। अब जैसे यहाँ पे एग्जांपल है कि शैल वी बिगिन द लेक्चर, तो कहता है कि क्या हम लेक्चर लेक्चर की शुरुआत करें, ये एडवाइस है, हम यहाँ पे किसी को एडवाइस दे रहे हैं। ठीक है, ऐसे यहाँ पे लिखा है कि सेल आई हैव ए कप ऑफ कॉफ़ी फ्रॉम द न्यू शॉप, अब ये भी रिक्वेस्ट है। तो क्या मैं नई दुकान से एक कप कॉफ़ी लाऊं, ये रिक्वेस्ट है। ऐसे कहता है कि सेल वी गेट आवर बुक पब्लिश्ड, तो कहते हैं क्या हमारी जो बुक है वो पब्लिश होनी होगी। तो यहाँ पर भी ये सजेशन का भाव दे रहा है। ठीक है, तो सेल के साथ ये जो इंट्रोगेटिव सेंटेंस बन रहा है, क्वेश्चन मार्क लग रहा है यहाँ पे, ये फर्स्ट पर्सन के साथ
इंट्रोगेटिव सेंटेंस में आई और वी के साथ सेल का प्रयोग किया जाता है। अगला है यहाँ पे इन द सेकेंड एंड थर्ड पर्सन टू इंडिकेट थ्रिड। थ्रिड माने धमकी, वार्निंग, चेतावनी, कमांड, आदेश, प्रॉमिस, वादा, एज्योरेंस होता है मतलब किसी को विश्वास दिलाना किसी चीज़ के लिए, एंड डिटर्मिनेशन माने दृढ़ संकल्प। तो कहता है कि जो सेकेंड और थर्ड पर्सन होते हैं उनके साथ अगर सेल का प्रयोग आएगा तो ये थ्रिड माने धमकी को, वार्निंग चेतावनी को, कमांड आदेश को, प्रॉमिस वादे को, और एश्योरेंस मतलब तसल्ली देना, विश्वास दिलाना, एंड डिटर्मिनेशन दृढ़ संकल्प को व्यक्त करता है। जैसे इफ़ यू बिहेव बैडली, अगर तुम व्यवहार बुरा करोगे तो यू सेल भी पनिश, तो तुम्हें दंडित किया जाएगा, ये धमकी हो गई। तो यहाँ पे यू के साथ धमकी देने के लिए हमोडाल सेल का प्रयोग होगा। ऐसे कहता है यू सेल गो टू स्ट्रेथ होम नाउ। अभी हम किसी को कमांड दे रहे हैं इस वाक्य में कि यू सेल गो स्ट्रेथ होम नाउ, कह रहे तुम सीधा घर चले जाओ अब। ऐसे लिखा है कि सी सेल गेट अ न्यू फोन ऑन हर बर्थडे, तो कह रहा है कि उसको अपने बर्थडे पे नया फ़ोन मिलेगा, ये प्रॉमिस है, मिला नहीं है, मिलेगा। हम इसमें मूड बताते हैं मतलब काल्पनिक बातों की ही जिक्र करते हैं जो पूर्ण हुई हैं या होंगी इसके बारे में हमें नहीं पता होता है, ठीक है। अगला है कि नेगेटिव फॉर्म, अगर हमें नेगेटिव फॉर्म बनाना हो सेल का तो बनेगा सेल नोट, और इसका शॉर्ट फॉर्म होता है शांट, ठीक है। तो सी सेल नोट कम टू स्कूल टुमारो, कह रहा है वो कल स्कूल नहीं आएगी, तो नेगेटिव बन गया। और कह रहा है माई एडवाइस ऑन दिस मैटर सी सेल नोट बी डिसमिस्ड, मेरा इस मुद्दे पे जो सलाह है वो मतलब डिसमिस नहीं होगा, तो ये भी नेगेटिव हुआ, सेल नोट का शांट लिख दिया है, ठीक है। तो हमने देखा कि सेल का प्रयोग जो है वो कहाँ कहाँ किया जाता है। सेल का प्रयोग फर्स्ट पर्सन के साथ इंट्रोगेटिव और इंट्रोगेटिव सेंटेंस में प्रयोग किया जाता है, और इसमें जब परिप्रयोग किया जाता है तो ये सजेशन सुलाह, सजेशन माने कुछ सलाह, रिक्वेस्ट, प्रार्थना, एडवाइस मतलब सलाह देने के लिए वो किया जाता है। और अगर सेकंड और थर्ड पर्सन के साथ करते हैं तो ये थ्रिड माने धमकी, वार्निंग, कमांड, प्रॉमिस और एश्योरेंस और डिटर्मिनेशन के लिए किया जाता है, और सेल का जो नेगेटिव बनाते हैं वो सेल नोट या शांट हो जाता है, ठीक है। तो वीडियो ज़्यादा लंबी ना बन जाए इसलिए यहीं पे रोकते हैं, अगली वीडियो में इसके आगे पढ़ेंगे, ठीक है।